हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको रेडीमेड ब्लाउज को फिट करना बताऊंगी। हम अपने रेडीमेड ब्लाउज को घर पे कैसे फिट करते हैं। तो ये हमारा दो ब्लाउज है इस तरह, ये एक बाजू वाली है, एक बिना स्लीवलेस बाजू की है इस तरह से। तो हम दोनों ब्लाउज को फिट कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से हम घर पे इसको फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने बॉडी का जो साइज होगा वो बॉडी का साइज ले लेते हैं और अब हम फिट करते हैं। तो हम इसको फिट क्या करेंगे, इस तरह से उल्टा करेंगे और इसकी जो इधर की तरफ ये हमने उल्टा कर लिया और इसमें इस तरह से देखिए ये कफ लगा हुआ है और हम इसमें इधर की तरफ से इसको फिट करेंगे और ये पीछे साइड इसमें हुक है। तो फ्रेंड्स, हमें बॉडी का जो साइज है वो साइज ले लेते हैं। तो हमारी बॉडी की जो साइज है तो वो है, हमारी पूरी बॉडी की साइज है जो 32 इंच है। तो हम 16 पे मार्क इस तरह से कर लेते हैं। तो दोनों साइड 16 कर लेंगे बीच में और यहाँ और फिर यहाँ यहाँ पे बीच में मार्क लगाएंगे इस तरह। और हमारा ऊपर जो है, ऊपर हमें 18 इंच रखनी है। तो हम 18 पे यहाँ पे और यहाँ पे 18 पे मार्क करते हैं। जो हमारी चेस्ट है तो चेस्ट है 36, तो उसका हाफ रखेंगे 18 इस तरह हाफ पे ऊपर मार्क कर लेते हैं इस तरह 18 पे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारी बाजू की जो गोलाई है वो है 7 इंच, तो ये यहाँ से बाजू की गोलाई पे मार्क कर लेंगे। तो ये 7 इंच पे बाजू की गोलाई पे मार्क कर लेते हैं इस तरह, ये बाजू की गोलाई पे इधर साइड भी मार्क कर लिए और इधर साइड भी मार्क कर लेते हैं, इधर साइड मार्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज पे इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हमें इस पे इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है, ये निशान पे। तो इसी तरह से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमें ये बिना स्लीवलेस ब्लाउज के निशान पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इसको ओपन करेंगे इस तरह से उल्टी साइड और हमारी दोनों ही में कफ वाली है दोनों ब्लाउज, ये इस तरह से पीछे हुक है इसमें भी। तो इसमें भी हमें उतना ही फिट करना है, दोनों एक ही साइज का फिट करना। आपका जितना बॉडी की साइज हो आप उतना ही ब्लाउज को फिट करें इस तरह से। इसको भी हमें 16 ही इंच 32 है तो 16 पे फिट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से बीच में 16 रख लेते हैं और यहाँ पे दोनों साइड से 1-1 इंच हमें मार्क करके फिट कर लेना है इस तरह। और ऊपर में हमारा 32, ऊपर हमारा 34 इंच है तो इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ 17 पे क्योंकि ये इसमें बिना ये बाजू की है तो ऊपर हम इसमें 34 इंच, तो इसमें यहाँ पे हम 17 इंच पे ये मार्क करेंगे। और वो बाजू वाली थी उस पर थोड़ा ज्यादा, क्योंकि बाजू वाली नहीं रहती है तो हमें यहाँ पे थोड़ा लूज ही रखना रहता है। तो इस तरह से हमें तो 17 पे यहाँ पे मार्क कर लिए, 34 इंच चेस्ट था। तो अब हम चलते हैं मशीन पे, इसको फिट कैसे करते हैं तो वो करके दिखाते हैं फिटिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम मशीन पे आ गए, अब हम इसको फिट कर लेते हैं। हमें जहाँ पे ये मार्क है वहीं पे हमें सिलाई लगानी है, तो हम यहीं पे सिलाई लगाते हैं इस तरह। इस तरह से यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। ये एक साइड फिटिंग हो गई, अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से फिट करते हैं। इधर साइड इधर की तरफ 2-3 बार, यहाँ पे थोड़ी लैस है कढ़ाई, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रही है। तो इस तरह से इसको फिटिंग कर ली है हमें इस तरह। फिर देखिए इस तरह से ये फिट हो गई, तो हमारी ये ब्लाउज फिटिंग हो गई इस तरह। ये एक ब्लाउज इस तरह से हमने फिटिंग कर लिया। अब हमें दूसरी ब्लाउज फिटिंग करनी है तो वो भी करके दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसको आपको दिखा देते हैं कि कितनी अच्छी से ये देखिए इस तरह से ये ब्लाउज हमारा साइज भी फिटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स, अब चलिए अब हम दूसरा ब्लाउज भी फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम दूसरी वाली को भी फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे हमने मार्क लगाया अब अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपका बॉडी का जो साइज है उसी साइज से आप अपनी ब्लाउज की ये रेडीमेड ब्लाउज फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मार्क लगाया था, यहीं पर हमें फिट करना है इस तरह। यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से ये हमने एक साइड फिट कर लिया, अब हमें दूसरी साइड भी फिटिंग करनी है। तो इस तरह से ये यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्क लगाया था इधर साइड से इसको फिट कर लेंगे इस तरह। तो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से देखिए ये फिट कर लिया, दोनों साइड फिट कर लिया इस तरह यहाँ और यहाँ। आपका जितना साइज हो आप उतना ही साइज से इसको फिटिंग कर सकते हैं बॉडी की साइज लेकर।
तो फ्रेंड देखिए हमने इस तरह से ये देखिए कितनी अच्छे से फिटिंग हमारी हो गई। आप चाहो तो इसमें बाजू भी लगा सकते हो, बट मुझे बाजू नहीं लगाने थे, मुझे स्लीवलेस ही ब्लाउज की कि इस तरह से ब्लाउज की डिज़ाइन रखनी थी। देखिए ये इस तरह से फिट हो गया, इस तरह से देखिए बैक साइड में भी इस तरह से ये फिटिंग हो गया है। तो हमने दोनों ब्लाउज को कितनी आसानी से फिट कर लिया इस तरह, देखिए इधर साइड से बैक साइड से फिनिशिंग से हमारी ये फिट हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी अगर आप भी मार्केट से रेडीमेड ब्लाउज लाए तो आप घर पे भी इस तरह से फिटिंग आसानी से कर सकते हैं, कोई भी बुटीक या टेलर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों ब्लाउज को कितनी आसानी से इस तरह से फिटिंग कर लिया है, देखिए कितनी फिनिशिंग से इस तरह से बैक साइड से भी हमने दिखा दे रहे हैं इस तरह। और ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउजू का ब्लाउज है, तो इस तरह से हमने इसको भी फिटिंग कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें बाजू भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो, तो फ्रेंड्स वीडियो यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।